अगर संघर्ष न रहे, किसी भी भय का सामना न करना पड़े, तब जीवन का आधा स्वाद ही समाप्त हो जाता है। याद रखें, अन्याय सहना और गलत के साथ समझौता करना सबसे बड़ा अपराध है। मैंने जीवन में कभी भी खुशामद नहीं की है। दूसरों को अच्छी लगने वाली बातें करना मुझे नहीं आता। मुझे यह नहीं मालूम कि स्वतंत्रता के इस युद्ध में हम में से कौन कौन जीवित बचेंगे, परंतु मैं यह जानता हूं कि अंत में विजय हमारी ही होगी। ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी स्वतंत्रता का मोल अपने खून से चुकाएं। हमें अपने बलिदान और परिश्रम से जो आजादी मिलेगी, हमारे अंदर उसकी रक्षा करने की ताकत होनी चाहिए। आज हमारे अंदर बस एक ही इच्छा होनी चाहिए और वो है मरने की इच्छा, ताकि भारत जी सके। एक शहीद की मौत मरने की इच्छा, ताकि स्वतंत्रता का मार्ग शहीदों के खून से प्रशस्त हो सके। भारत में राष्ट्रवाद ने एक ऐसी सृजनात्मक शक्ति का संचार किया है जो सदियों से लोगों के अंदर सुसुप्त पड़ी थी। यदि आपको अस्थाई रूप से झुकना पड़े, तब वीरों की भांति झुकना। मुझ में जन्मजात प्रतिभा तो नहीं थी, परंतु कठोर परिश्रम से बचने की प्रवृत्ति मुझ में कभी नहीं रही। जीवन में प्रगति का आशय यह है कि शंका संदेह उठते रहें और उनके समाधान के प्रयास का क्रम चलता रहे। हम संघर्षों और उनके समाधानों द्वारा ही आगे बढ़ते हैं। श्रद्धा की कमी ही सारे कष्टों और दुखों की जड़ है।